Good morning to all my dear students of class nursery. Today I am here to teach you all the subject GK. आज हम लोग GK subject का half yearly course को start करेंगे. Open page number 11 of your book. Name क्या है chapter का? Water Cosmos. Tick the things that sail on water and cross the others. यहाँ पे कुछ pictures दी हुए हैं. इन पिक्चर्स में हम उस पिक्चर पर टिक लगाएंगे जो पानी में तैरती है, पानी में चलती है, और जो पानी में नहीं चलती है उस पर क्रॉस लगा देंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली पिक्चर एक बोट की है, यानी कि एक नाव की पिक्चर है. ये पानी में ही चलती है तो हम इस पर करेंगे टिक. सेकेंड पिक्चर कार की है, ये तो रोड पे चलती है, पानी में नहीं, तो इसको करेंगे क्रॉस. नेक्स्ट पिक्चर एरोप्लेन, ये तो हवा में उड़ता है, ये भी गलत है, तो इसको हम करेंगे क्रॉस. नेक्स्ट पिक्चर, ये भी एक छोटे से शिप की पिक्चर है, ये पानी में ही चलता है, इसको हम टिक करेंगे. नेक्स्ट अगेन यहाँ पे एक बोट की पिक्चर है, ये भी पानी में चलती है, इसीलिए इसको टिक करेंगे. पैराशूट, ये तो हवा में उड़ता है, इसको हम एयर बलून भी कहते हैं, सो इसको हम क्रॉस करेंगे. सो कौन सी तीन पिक्चर्स हैं जो पानी में चलती हैं? ये वाले पिक्चर, ये पिक्चर एंड ये पिक्चर. सो इन तीनों पिक्चर्स पे हमने टिक लगा दिया. बाकी के पिक्चर्स जो पानी में नहीं चलती उस पे हमने क्रॉस कर दिया. सो अपनी बुक में आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे. चैप्टर नंबर 11, डेट जरूर राइट करिएगा, 28/2021, और CW यानी कि क्लास वर्क आप लोग राइट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.